यस बेटा, की जाती थी वर्क गर्दानी की जाती थी। यस बेटू जुनैरा, यस बेटा, पेज नंबर 56 सेकंड पैरा, पेज नंबर 56 सेकंड पैरा। उस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था। जी बेटा, यस, जी जी बेटे, जी अनिता अर्शद, वो आपके यहाँ
यस बेटा, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। नाउ फाइन बेटा, नेट प्रॉब्लम बेटा, नेटवर्क इश्यू सो मच आर देयर। नाउ अरिश बेटा, यू स्टार्ट क्विकली। जी पढ़ा था, उठाकर पढ़ा था। मियाँ को सोता जानकर जिल्द 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 शोला उठा। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आखिरी कदम, ये आप लोगों का आखिरी सिलेबस के ये आखिरी चैप्टर था, ठीक है। लाजवाल मुरक्कब में आप लोगों के चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पीतल का घंटा, दूसरा चैप्टर है मंजूर, तीसरा है अल्लाह दे बंदा ले, और चौथा है आखिरी कदम। तो ये चार चैप्टर से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से तौबतुन नसू में आप लोगों का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर फसल चहारुम, फसल पंजुम और फसल शशुम, तीन चैप्टर उधर से है। तो टोटल चार और तीन सात चैप्टर है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। जो लोग अलीगढ़ से बाहर हैं उनके लिए मैंने तौबतुन नसू पीडीएफ शेयर कर दिया है ग्रुप पर भी। तो आप लोग जो है ग्रुप पर से उसको खोलें और तैयारी करें। इसके अलावा अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम और परेशानी हो रही है या उसे कुछ पूछना है तो फिर हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप के ज़रिए से आप मैसेज कर सकती हैं और हम आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए से आंसर दे सकते हैं। इस सबक का थोड़ा समरी, बहुत सारे लोग फर्स्ट डे सेकंड डे में नहीं थे तो मैं इसका समरी करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको गौर और ध्यान से सुने। डॉक्टर जाकिर हुसैन
ने ये अफसाना लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है आखिरी कदम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को सामने रखा है और सामने रख करके मुसलमानों के दिलों में या लोगों के दिलों में ये बात बिठाने की कोशिश इस चैप्टर में उन्होंने किया है, या हम लोगों को ये मैसेज और पैगाम देने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे पास जो माल और दौलत हमें अता फरमाया है, दिया है, ये माल और दौलत हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी मेहनत और भाग दौड़ का नतीजा नहीं है। आम तौर से माल और दौलत के बारे में इंसान ये सोचता है कि ये हमारे भाग दौड़ का नतीजा है, ये हमारी कोशिश का नतीजा है जो हमें माल मिल रहा है। आदमी अगर मुलाजमत करता है, नौकरी करता है, एम्प्लॉई है, तो वो ये सोचता है कि मुझे इसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो समझता है कि बिज़नेस के ज़रिए से और मेहनत से ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। इसी तरह से और भी जिसका जो ज़रिया है, इंसान समझता है कि इसी ज़रिए से उसको माल दौलत हासिल हो रही है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, इसलिए कि आप हम सबको मालूम है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जब इंसान अपने माँ के बतन में, पेट में 4 महीने का होता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला एक फरिश्ते को भेजता है, जो फरिश्ता जो है उसकी तकदीर को लिखता है और वो उसकी उम्र कितनी होगी वो लिखता है, और फिर ये कि दुनिया में उसको रोज़ी कितनी मिलेगी, कितना माल और दौलत उसे हासिल होगा, वो सारी चीज़ें वो लिख करके चला जाता है। तो माल और दौलत का मिलना या हासिल होना, ये अल्लाह तबारक ताला के जानिब से हमारा अपना तकदीरी फ़ैसला है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे मुकद्दर में जितना रिस्क लिख दिया है और जिसके ज़रिए से लिखा है, वो हमें मिलकर रहेगा। हदीस में आता है कि जिस तरह से मौत इंसान को तलाश करती है, उसी तरह से रोज़ी भी इंसान को तलाश करती है। ठीक है, तो माल और दौलत ये हमारा अपना नहीं है, माल और दौलत ये अल्लाह की दी हुई हमारे पास अमानत है। और जाकिर हुसैन ने यही मैसेज हमें और आपको और दुनिया के लोगों को देने की कोशिश की है इस तहरीर के ज़रिए से कि माल और दौलत ये हमारा अपना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की दी हुई हमारे पास एक अमानत है। जब इंसान के पास कोई अमानत रखी जाती है, तो उस अमानत के अंदर उसे तसर्रुफ का, खर्च करने का हक हासिल नहीं होता है। और अगर उसने तसर्रुफ कर लिया, खर्च कर लिया, तो वो अमानत में गोया कि उसने खयानत की। इसी तरह से जब इंसान ये समझेगा कि ये अल्लाह की अमानत है, तो फिर वो अल्लाह के खुशनुदी में, अल्लाह के रज़ा में उसको खर्च करने की कोशिश करेगा। और अगर उसमें वो बेजा तसर्रुफ़ करेगा, बेजा खर्च करेगा, उस इन माल और दौलत के ज़रिए से दूसरों के ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती करेगा, इन माल और दौलत की वजह से ऐश व इशरत करेगा और अय्याशी करेगा, और इन माल और दौलत के ज़रिए से दुनिया के जो बुराइयां हो सकती है वो करेगा, तो गोया के वो अल्लाह के दी हुई इस अमानत में वो खयानत कर रहा है। और जब वो खयानत करेगा, तो अल्लाह के पास उसकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, पूछ होगी। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद
हमें अपने ज़हन दिमाग में ये बात बिठा लेना चाहिए और व्यवस्थ कर लेना चाहिए कि ये माल और दौलत अल्लाह की अमानत है और इसको अल्लाह की खुशनुदी में हमें खर्च करना है। अगर हम अल्लाह को खुश करने के... जी बेटू, अच्छा बेटू, तो मैं ये कह रहा था कि माल और दौलत जो होता है वो अल्लाह की अमानत होती है और अमानत में इंसान अपनी मनमानी नहीं चलाता है। अमानत में अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो गोया के वो अमानत में खयानत कर रहा है और खयानत के बारे में उससे पूछ होगी, गिरफ्त होगी। इसी तरह से जब इंसान माल को ये समझेगा कि ये अल्लाह की अमानत है और अगर हम इसको अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक खर्च करेंगे तो फिर अल्लाह उससे खुश होगा, और अगर इसको गलत जगह पे खर्च करेंगे और इसको बेजा जगह पे तसर्रुफ करेंगे, इसको जो है हम अपना समझेंगे और फिर ये कि इसके ज़रिए से हम लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे, इसके ज़रिए से हम ऐशो इशरत करेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे, तो गोया के वो माल में अमानत में ख़यानत कर रहा है। और जब वो इस तरह के सोच और थिंकिंग के साथ वो माल को खर्च करेगा तो वाकई अल्लाह के पास उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा, उसकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। तो ज़ाकिर हुसैन ने यह मैसेज दिया है कि हमेशा हम अल्लाह की माल को अमानत समझें और अल्लाह को खुश करने वाली जगह पर इसको खर्च करें और इसके ज़रिए से दीनी कामों में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि इन माल और दौलत के ज़रिए से अल्लाह हमसे खुश हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो। वरना अगर हमने मनमानी खर्च की तो फिर अल्लाह के सामने हमें खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। एक हदीस में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम यानी इंसान का कदम अल्लाह के सामने से उस वक्त तक हट नहीं सकता है जब तक कि वो पांच चीज़ों, पांच सवालों का जवाब न दे दे। उनमें से दो इस सबक से रिलेट है जो मैं बता रहा हूँ कि एक सवाल अल्लाह तबारक ताला ये करेगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया था, किस ज़रिए से कमाया था, क्या हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था, जायज़ तरीके से कमाया था, नाजायज़ तरीके से कमाया था, सूद और ब्याज के ज़रिए से कमाया था या कोई अच्छा और इस्लामी तौर तरीक़े के मुताबिक इसको कमाया था। तो एक तो अल्लाह तबारक ताला माल के बारे में हमसे हिसाब लेगा, कमाने की ज़रिए के बारे में। इसलिए माल कमाते वक्त हमें इनके तरफ भी ध्यान रखना है कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है ये अल्लाह की, ये पैसा हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, क्या जायज़ तरीके से आ रहा है, नाजायज़ तरीके से आ रहा है, एक चीज़। दूसरा जो अल्लाह तबारक ताला हमसे क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, वो ये है कि तूने माल को कहाँ खर्च किया, क्या अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक खर्च किया, क्या उस माल को जो है जायज़ ज़रिए, जायज़ तरीके से खर्च किया या नाजायज़ तरीके से खर्च किया, लोगों के ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती पे खर्च किया या अपने ऐशो इशरत में खर्च किया। तो मुख्तसर से ये है कि ये सबक जो आखिरी कदम है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैसेज और पैगाम हमें दे रहा है कि हम पूरी ज़िंदगी माल और दौलत को जो है अल्लाह की अमानत समझें। जब हमारे हमारी थिंकिंग ये होगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसको सही जगह पर इसको हम खर्च करेंगे और फिर अल्लाह के गिरफ्त और पकड़ से आखिरत में हम बच सकेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस सबक की जो मुख्तसर सी समरी थी वो मैंने आपके सामने रखी है और ये बातें आप लोगों को समझ में आएगी।
अब मैं जुनैरा खान से पूछता हूँ, क्या आपको ये सबक समझ में आया है कि नहीं आया? तो थोड़ा सा आप दो लफ्जों में बताएं क्या समझा आपने इसको। जी 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 बिल्कुल सही। हाँ, जैसे आजकल चल रहा है। जी जी बहुत अच्छा बेटा। अरीश, आप भी कुछ बताएं इसके बारे में, कुछ क्या समझा आपने इस सबक से? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बेटा। कानिता अरशद, आप भी बेटू कुछ बताएं इस सबक के बारे में। वही करना चाहिए। बहुत अच्छा। सालिहा, आप भी कुछ बताएं। सालिहा हैं? अच्छा, हबीबा। अच्छा, सालिहा जी। सालिहा बताएं कुछ आप भी इस सबक के बारे में, क्या समझा आपने? जी बहुत अच्छा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप बताएं हमसे कि आपने अब तक कभी कुछ खर्च किया है दूसरों के लिए? सालिया चलिए बेटे, इंशाल्लाह आगे करेंगे, है ना? अल्लाह ने दिया तो इंशाल्लाह। हबीबा बेटू, आप माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटू। हमें इस इंतज़ार में नहीं रहना है कि बहुत ज़्यादा आएगा तो खर्च करेंगे। अगर हमारे माँ बाप ने हमें 10 रुपये 20 रुपये समझ लीजिए कि अगर हमें दिया है अपने जेब खर्च के लिए कि बेटा लो ये तुम्हारा जेब खर्च है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसी में से हम 5 रुपये जो है किसी के लिए, कोई सामने अगर दिख गया या गरीब दिख गया, या नहीं तो हम उसमें से 5 रुपये निकाल के कहीं एक किनारे रख दें। ऐसे 5 करते 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 बहुत सारे जमा हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको किसी हाजतमंद और ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो इंसान जो है आगे का इंतज़ार ना करें, बल्कि जिस कैफियत में हो, जिस हालत में हो, जो भी उसके पास मैसर हो, उसमें से उसे चाहिए कि वो कुछ ना कुछ दूसरों को भी हिस्सा मुकर्रर करे। जी बेटू माशाल्लाह। हबीबा, आप भी कुछ बताएं बेटू। हबीबा हैं लाइन पे? चलिए, खदीजा बिनत शाहिद, खदीजा बिनत शाहिद जी, आप खदीजा बोल रही हैं? जी बेटू, आप भी कुछ बताएं इस सबक के बारे में, क्या समझा आपने? जी 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 बेटू।
जी बहुत अच्छा बेटू। अब एक स्टूडेंट रह गई है मारिया। बेटू मारिया आप भी कुछ शेयर करें।